नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। विद्यालय में पोषाहार का चावल वितरण में अनियमितता को लेकर मौजूद अभिभावकों ने किया प्रधान शिक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मामला पश्चिमी चंपारण बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र की है, जहां गुदरा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय गुदरा में पोषाहार के चावल वितरण किए जाने में अनियमितता को लेकर मौजूद अभिभावकों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि पिछले चार बार से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पोषाहार का चावल वितरण करने में व्यापक स्तर पर अनियमितता बरती जा रही है। पूछने पर प्रधानाध्यापक तरह तरह के बहाना बनाते हैं। इसको लेकर विद्यालय परिसर में प्रभारी प्रधानाध्यापक तनवीर आलम की अध्यक्षता में अभिभावकों की बैठक भी हुई थी, जिसमें मुखिया देव शरण प्रसाद, सरपंच धनुष राय, पूर्व सरपंच राम वचन यादव तथा राजद के अति पिछड़ा प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। अभिभावकों के आरोप को गलत बताते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक तनवीर आलम ने कहा कि छात्र छात्राओं के हिसाब से पोषाहार का चावल बहुत कम मात्रा में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिससे वितरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर अभिभावकों ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पिछले चार बार से होता चला आ रहा है। वहीं राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा पोषाहार का चावल वितरण करने में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जबकि आपदा के समय सरकार द्वारा निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक छात्रों का निवाला हड़प रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी तथा मार्च महीने का पोषाहार का चावल विद्यालय में आया है, लेकिन वितरण में छात्र और शिक्षकों के बीच तूतूमय हो जा रही है। वही कुछ अभिभावकों ने वर्ष 2018 से छात्रवृत्ति नहीं मिलने की बात भी कही। अभिभावकों का सीधे आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षा समिति को दरकिनार कर दिया गया है। किसी भी मौके पर गाँव के प्रतिनिधि, अभिभावक तथा शिक्षा समिति को सूचित नहीं की जाती है, महज खाना पूर्ति कर अपना काम निकाल लिया जाता है। इस मामले में पंचायत के मुखिया देव शरण प्रसाद के पहल पर अगले सोमवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक शंभू प्रसाद को विद्यालय में उपस्थित रहने तथा अभिभावकों के आरोप का जवाब देने का सुझाव दिया, जिस पर आक्रोशित अभिभावक शांत हुए। का नाम पड़ी रहा नाम पड़ी रहा जी। मामला ये सर कि चावल वितरण यहाँ पर जो रहा था, मतलब जैसे हमको अगर मान लीजिए कि हमको 50 कुंटल चावल की जरूरत है, लेकिन हमको आवंटन कम मिल रहा है, जिसके वजह से हम इतना ही बच्चे को दे पा रहे हैं जितने बच्चे मतलब उसे लाभान्वित हो सकते हैं, पूरे बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जिस समय कोरोना काल स्टार्टिंग हुआ था, उस समय हम चावल का वितरण किए, पूर्व का अवशेष के बाद से हम चावल का वितरण किए मई जून जुलाई का, उसमें कुछ बच्चों का चावल बच गया। तो हम इसके लिए डिमांड किए कि मतलब अगले वीक में जो चावल हमको दिया जाए वो पुराना चावल के साथ दिया जाए, ताकि कोई बच्चा नहीं बच सके। लेकिन संजोग बस ऐसा हुआ कि हमको नया आवंटन दे दिया गया, लेकिन पुराने चावल अवशेष चावल हमको नहीं दिया गया, जिससे कि हम पूरे बच्चों को बांट सकें। और ये जो है मतलब सिलसिलेवार चलता रहा। हमने MDM जो मेरे VRP हैं सचिन बाबू, उनसे हम फ़ोन पर वार्ता किए, अपना डिमांड भी उनको दिए कि हमको चावल जो है 100% दिया जाए, ताकि हम बच्चों को दे सके। क्योंकि ये ग्रामीण स्तर के लोग जो है सब तरह की बात नहीं समझते हैं, इनको समझना है कि मतलब हमको चावल चाहिए तो चाहिए। अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये बात उनको नहीं चाहिए, उनको हेडमास्टर से चावल चाहिए। तो मतलब ये तो 100% ऑथेंटिक है कि चावल का जिम्मेवारी हमको है तो हम ही को देता है। तो इसके लिए हम डिमांड किए, लेकिन चावल नहीं मिला। तो यही मामला है, और कोई मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर आलम। वर्ष 2018 से छात्रवृत्ति बच्चों